महाभारत के युद्ध द्रौपदी की लाज बचाने के लिए हुआ था और माता सीता की लाज बचाने के लिए रामायण का युद्ध हुआ था। और एलिजिबिलिटी का मतलब तो आप समझ सकते हैं ना, उसमें गे भी आते हैं, ट्रांसजेंडर भी आते हैं, बहुत सारे मतलब जेंडर जो आते हैं, तो उसका एक साइट बनाया था और उसपे जो है ना वो बहुत सारा मतलब उसपे फोकस कर रहा था कि ये चीज मैं आगे लेकर के आऊं। और बहुत सारी लड़कियों से भी वो जो है ना वो डेटिंग करता था, चैट करता था, बहुत सारी हिंसक प्रवृत्ति का मतलब लड़का था। और देश में करोड़ों बच्चे जो है इंडिपेंडेंट पढ़ लिख रहे हैं और माँ बाप जो है ना बिल्कुल प्राउड फील कर रहे हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन 100 में से 10 घटनाएं ऐसी हो रही है, तो सबसे पहले मैं फोकस करना चाहती हूँ कि ये घटनाएं क्यों हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बच्चों की मेंटल हेल्थ गिरती जा रही है और बच्चे जो मेंटल हेल्थ गिरने के चलते जो है वो कहीं ना कहीं जो अपना प्यार जो है बाहर तलाशने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा जो घर का जो इन्वायरमेंट होता है ना, कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर का आपका इन्वायरमेंट कैसा है। तो मैं बात कर रही हूँ ये अमिताभ और श्रद्धा मर्डर केस की। और बहुत मतलब उसे 35 टुकड़ों में काटा गया, तो सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये मुसलमान है तो ये लव जिहाद है, देश में हिंसक घटनाएं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि अमिताभ जो था पारसी था, अगर मुसलमान भी है तो मैं यहाँ पे मुसलमान और हिंदू की कोई टॉपिक नहीं लेकर के आई हूँ। आज जो मेन टॉपिक है ना तो मैं उस पर चर्चा करूंगी। हे गाइज, वेलकम बैक टू लीनाज फैमिली ब्लॉग। मैं हूँ लीना। बहुत सारी इस तरह की जस्टिस की वीडियो मैं ला चुकी हूँ, समय समय पर देश दुनिया की खबरें मैं आप लोगों के साथ लाती रहती हूँ। तो आज की जो जो विषय है आफताब और श्रद्धा, जो श्रद्धा को 35 टुकड़े किया गया, तो मैं उसके बारे में कोई इस तरह की चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन ये मत आज मैं फोकस करना चाहती हूँ कि आज ये श्रद्धा आफताब का केस नहीं है। अभी झारखंड के दुमका जिले में भी केस हुआ है, तो वहां पे भी जो लड़की को है खिड़की से पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया गया और विक्टिम जो है बहुत ही हंसता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर जो मैं बात करूंगी अफताब की, तो ये 35 टुकड़े करने के बाद जो है ना, मई में उसने 35 टुकड़े किया, नवंबर में इस बात की पता चली, 4 महीना तक जो है ना वो तथ्य सामने आने में लगा है। और उसने नया फ्रिज खरीदा और सबके 35 टुकड़े करके एक एक पार्ट को रखता चला गया। और कहीं ना कहीं ये चीज सोचने पे बहुत ज्यादा मजबूर हो गया कि बच्चों की इतना मेंटल हेल्थ क्यों गिर रहा है। श्रद्धा की बात करूं तो जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, तो मैं बता दूं, अब तो खैर न्यूज़ में और सारा वीडियो ये तो मतलब सब लोग अभी इस घटना को जान चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा कहानी बताने की जरूरी नहीं है। ये मेहरौली की घटना है और यहाँ पर मैं कहूँगी फ्रीडम लवर की, एक फ्रीडम लवर की बात कर रही हूँ, जहाँ पर श्रद्धा 25 साल की है, मुंबई की एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करती थी, और अफताब 27-28 साल का लड़का है, जहाँ पर 2018 में दोनों की मुलाकात होती है। और दोनों की लव जहाँ जो है फ्रीडम लवर की जो शुरुआत होती है तो मुंबई से शुरू होती है, दोनों कॉल सेंटर में मिलते हैं और ये दोस्ती जो है प्यार में बदलती है और दोनों रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो श्रद्धा ने अपने फादर से इस बात की चर्चा की, तो उसके फादर ने डांटते हुए कहा कि नहीं नहीं तुम्हें वो मुसलमान का लड़का, तुम्हें नहीं रहना है। और तो श्रद्धा ने बात की कि पापा मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो उसके फादर ने बिल्कुल नकार दिया कि नहीं मुसलमान है और शादी नहीं करना है। तो लेकिन फिर भी श्रद्धा बोलती है कि नहीं मैं 25 साल की हूँ और मैं अपना भला बुरा मैं समझ सकती हूँ। तो सब लोग इस बात की चर्चा जरूर कर रहे हैं कि यहाँ पर मतलब उन लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ी मतलब ये शिक्षा है, जो माँ बाप ने आपको इतना 20 से 25 साल बड़ा किया और अचानक से जो है छोड़ करके लड़कों के प्यार के तलाश में आप निकल जाते हो। लेकिन ये बोलना तो आसान हो जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं मतलब आखिर होती क्यों है? क्यों जो बच्चे जो है घर का प्यार भुला करके बाहर प्यार तलाशने लगते हैं? तो मैं इस विषय पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ और आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये घटनाएं जो हो रही है, तो ये मैं आज जो विषय लेकर के आई हूँ तो ये मेरा जो वक्तव्य है आप लोग के सामने मैं रख रही हूँ, सही है गलत है। देखिए सबसे पहले मैं बोलूंगी, पहले के समय में क्या होता था कि सब लोग ज्वाइंट फैमिली रहते थे और मतलब एक परिवार में हंसना खेलना होता था, मर्द लोग कमाते थे, औरतें घर चलाती थी। अब के समय में पढ़ाई का प्रेशर तो हो ही गया है बच्चों
पर, और घर का जो इन्वायरमेंट होता है, तो अब के पढ़ाई, पहले के समय में पढ़ाई में जो होता था किताब कॉपी कलम होती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन पहले के पढ़ाई के लोग भी इंजीनियर डॉक्टर सब चीज़ होते थे, लेकिन अब इंटरनेट का समय आ गया है तो सारा दिन बच्चों जो है, बच्चों को इंटरनेट से पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई है आज के समय में। लोग इंजीनियर डॉक्टर से भी ऊपर लेवल पर अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, और एक कमरे में बिल्कुल बंद होकर के बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे साइट भी होते हैं और बच्चे देखना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं अब मैं मतलब मदर भी वर्किंग हो रही हैं, फादर भी वर्किंग हो रहे हैं, बहुत सारे आजकल झगड़े भी, मतलब घर के झगड़े भी बहुत सारे, मतलब केसेस ऐसे आ रहे हैं कि घर के झगड़े से भी परेशान होकर के बच्चे जो है घर से निकल जाते हैं। तो श्रद्धा का केस में भी यही हुआ कि उसके मदर फादर जो है अलग रहते थे, श्रद्धा के फादर अपनी मदर के साथ यानी कि श्रद्धा के दादी के साथ रहते थे और श्रद्धा की मदर जो थी अपने बेटे के साथ रहती थी यानी कि श्रद्धा के भाई के साथ, और मदर फादर में मतलब अलग अलग था। 2020 में श्रद्धा की जो मदर का डेथ हो जाता है, तो मतलब श्रद्धा जो है ना उस समय अपने बाल को बिल्कुल जो है पूरे बाल को कटवा करके, और बहुत मतलब पूरे बाल को मैं कहूँगी पूरा बाल को उसने मुड़वा लिया, तो आप उसके मेंटल लेवल को क्या कह सकते हैं। मतलब एक पढ़ी लिखी लड़की में जो है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली, तो अचानक से मदर की डेथ के बाद जो है ना जो अपना हुलिया जो है ना बिल्कुल अलग तरीके से बना लेती है, और वो लड़का जो है, लड़का ये लोग दोनों मिल करके, लड़के आने के अफताब और श्रद्धा मिल करके मुंबई से फिर दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली में एक उसके दोस्त ने बोला कि दिल्ली में एक कंपनी है जहाँ पे तुम्हें काम, अच्छा काम मिल जाएगा और वहाँ पे एक फ्लैट भी है, तो मैं तुम्हें रहने के लिए दे दूंगा। तो वो लोग वहाँ से यहाँ चले आते हैं, तो श्रद्धा जो है अपने फादर से बोलती है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, तो फादर ने मना किया कि देखो वो मुसलमान है और तुमको मतलब मैं उससे शादी भी नहीं करना है, तुम उसके साथ भी नहीं रहोगी। तो श्रद्धा ने यही जवाब दिया, मैं 25 साल की हूँ और मैं अपना भला बुरा सोच सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये श्रद्धा मतलब जो है वो भी बहुत गलत है, तो उसे ये भी समझना चाहिए था कि आपके मदर फादर ने इतना साल पढ़ा लिखा करके और बड़ा किया, तो मतलब अच्छा बुरा जो है आप इतना जल्दी कैसे समझ सकते हो किसी के बारे में। और आफताब और ये लोग दोनों रहने लगे तो घर के छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना उस पर भी झगड़ा होने लगे, और इसमें मई में श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपीज़ जो है ट्रांसफ़र किए गए अफताब के बैंक अकाउंट में। और घर के छोटे मोटे झगड़े होना तो लाजमी है, क्योंकि देखिए अब के समय में जो है ना बच्चे बस पढ़ाई करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है पेरेंट्स भी भार नहीं सौंपते हैं, और लेकिन जो घर के छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, अगर आपके मदर फादर शादी कराते हैं या आप लव मैरिज करते हो तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में लोग सोचते हैं चलो मैं इतना खर्चा क्यों करूँगा, मेरा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो इस बात को लेकर के अक्सर दोनों में झगड़े होते थे। और आप सोचो कि उन जो आफताब का नार्को टेस्ट होगा, और जिस रात उसने श्रद्धा का मर्डर किया किसी बात को लेकर कि इन दोनों में झगड़ा हुए, और श्रद्धा ने फादर से बात करना छोड़ दिया था और बीच में वो गई थी, और उसने ये भी फादर से बोला कि मुझे बहुत मारता पीटा, चूंकि मदर तो पहले भी डेथ कर चुकी थी, तो अब फादर से बोली कि मुझे आफताब बहुत मारता पीटता है, तो उसके फादर ने भी मना किया कि तुम उसके पास मत जाओ, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। और आफताब ने बहुत ज़्यादा प्यार से बुलाया उसे, और अक्सर छोटे मोटे घर के चीज़ों पर भी झगड़ा हुआ करते थे दोनों में, और उसे वो उसके साथ रहने लगी, और बात बात पे दोनों बहुत बहुत बार वो हिंसक हो चुका था, और उसने श्रद्धा के जो टुकड़े किए और उसका जो चाकू, जो मैं कहूँगी जो जानवर काटने वाले जो नाइफ होते हैं ना वो खरीदा, तो कहीं ना कहीं आपको तो मतलब सबसे बड़ा बात ये आती है कि उसका मेंटल लेवल और मानसिक विकृति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वो अपने आप में नहीं था। वो जिस दिन उसे मारा वो पूरी तरह से गांजा के नशा में था, पूरी तरह से शराब के नशा में था, वो अपने होश में नहीं था, और वो पूरा हिंसक हो चुका था, और कोई भी नॉर्मल आदमी इस तरह से नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसके मतलब उसका जो मेंटल लेवल था तो उस पर विचार किया जाना चाहिए, और मतलब कहीं कहीं ये चीज तो जरूर है कि वो मतलब इस तरह से क्यों कर रहा था। उसने बहुत सारे साइट बना करके रखे थे, और उसका दिमाग जो था, अगर आप देखेंगे एक जो पागल व्यक्ति होते हैं जो मेंटल लेवल जिसका खराब रहता है, तो एक जो ह्यूमन बींग जो होते हैं उसके ताकत में और उसके ताकत में बहुत का अंतर होता है। अगर आप 10 किलो का वजन दिया जाए और कहा जाए कि आप उठाओ तो आप नहीं उठा पाओगे, लेकिन अगर एक पागल व्यक्ति को आप 20 किलो का भी वजन दोगे तो वो उठा पाएंगे।
तो इसी तरह से जो आफताब की जो मेंटल जो थी ना वो बहुत ज्यादा काम करती थी और बहुत सारे साइट भी उसने बना करके रखा था और मैं कहूंगी एलिजिबिलिटी भी था, मतलब वेब पे बहुत ज्यादा वो फोकस कर रहा था, उसने अलग से साइट बना करके रखा हुआ था। और एलिजिबिलिटी का मतलब तो आप समझ सकते हैं ना, जिसमें गे, ट्रांसजेंडर बहुत सारे चीज आते हैं, तो वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था। तो आप सोचिए कि कितना तरह से उसका मानसिक विकृति कहां से कहां तक वो चला गया था। और नारी की मतलब बहुत ज्यादा फ्रीडम की बात वो करता था, तो बहुत सारे जो मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो अपने काम पे फोकस करेगा, अपने फैमिली पे फोकस करेगा, लेकिन इस तरह के जो इंसान होते हैं ना, आप खुद सोच करके देखिए कि कितना तरह से वो साइट खोल करके रखा था। और एक श्रद्धा से ही नहीं, बहुत सारे साइट से वो लड़कियों को मतलब चैट करता था, बहुत सारे इस तरह से साइट उसने खोल करके रखा था। तो सोचिए कि उसका जो दिमाग था, और वो हिंदी में नहीं, जिस दिन उसने जितना भी उसने साइट खोल रखी थी, तो उसने मतलब मैं ये भी नहीं गलत कहूंगी कि जो भी उसने एलिजिबिलिटी के बारे में मतलब जो वो साइट बना के रखा था, तो चलो आजकल मतलब लोग इस पे भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो जो वुमेन की मतलब बहुत ज्यादा फ्रीडम की बात करता था, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट भी उस करता था, लेकिन उसने रियल में क्या किया आप खुद सोच करके देखो। तो मतलब इस तरह की अगर बच्चों में, लेकिन लोग सरकार को दोषी देते हैं कि नहीं इस तरह के बच्चे हैं तो इसे फांसी दो, कि इस तरह के बच्चे इतना हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। तो इसका पता लगाने के लिए एक सबसे बड़ा जो मतलब रीजन है, आप समझ सकते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन कम कर देगा, माँ बाप से लोग बात कम कर देंगे, अकेला रहना पसंद करेगा, बात बात पे वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाएगा। तो आप मतलब पेरेंट जो है ना, तभी मतलब जो बच्चों को जो है ना आध्यात्मिक चीजों के तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, उसे तरह तरह के उससे बात करने की कोशिश कीजिए, तो हो सकता है कि ये चीज जो है ना आप समय पे आप सुधार लें। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं ना, तो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं, और अगर छोड़ दिया जाए तो आगे जा करके आफताब और श्रद्धा की तरह केस निकल करके सामने आएंगे। और बस मैं समय समय पर देश दुनिया की खबरें लाते रहती हूँ, और ये चीज दिन पे दिन हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। हमारे भी बच्चे बाहर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी डर बना रहता है कि कल को इस तरह से घटना हो, क्योंकि देखिए घर का एनवायरनमेंट होना सही होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ मैं पेरेंट्स को भी थोड़ा सा, पेरेंट्स मतलब बोल देते देखो तुम 25 साल की हो गई हो तुम ये नहीं करो, तुम 22 साल की हो गई हो तुम ये नहीं करो, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इस चीज के लिए मतलब दोषी हो जाते हैं कि घर का एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा आप बच्चों पे बहुत ज्यादा जो है ना पढ़ाई का प्रेशर नहीं दे, बहुत सारे ऐसे चीज है उस सब चीज में आगे बढ़ाए, तो बच्चों का जो है ना थोड़ा सा घर का भी एनवायरनमेंट सही रहेगा। इसके साथ ही मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।